टाटा 1512 डीजल का जो मीटर कंसोल है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए फुल स्वाइप करता है यहाँ से। इसके बाद आपको यहाँ पर आरपीएम मीटर, टेम्परेचर गेज, यहाँ पर एयर प्रेशर गेज, यहाँ पर आपको DEF का लेवल, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज देखने को मिलता है। ये कंट्रोल स्विचेस हैं टॉगल करने के लिए। ये गाड़ी अभी कितना किलोमीटर चल चुकी है ये बता रही है। यहाँ पर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिलेगी। ये कुछ अभी थोड़ी सी गड़बड़ दिखा रही है। यहाँ पर आपको ऊपर टेलटेल लाइट्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर 12 वोल्ट का करंट है। यहाँ पर डेट टाइम आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके डीजल जो आपका पर्टिकुलेट फिल्टर है उसके रीजन के बटन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका एक हैजर्ड लाइट का बटन है। यहाँ स्पीकर का प्लेसमेंट है। यहाँ पर एक ब्लोअर का कंट्रोल है, ब्लोअर का प्लेसमेंट है सॉरी। यहाँ पर आपका हैंड ब्रेक देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर आपके एक और ब्लोअर्स हैं। ये स्टीरियो सिस्टम में ब्लूटूथ और ऑक्स कनेक्टिविटी और USB कनेक्टिविटी के साथ में ये आपको देखने को मिलेगा। ये है इसका 5 स्पीड का गियर।